हेलो एवरीवन, मैं हूं उषा और मेरे साथ हैं वेरी पॉपुलर सिंगर शालमली. वेलकम टू देसी मार्टिनी शालमली. थैंक यू. सबसे पहले तो आपका गाना कल्ले कल्ले बहुत हिट हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, तो कैसी फीलिंग है ये? ये फीलिंग है बिल्कुल यही है. मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम इस गाने पर बैठे हुए थे कि हम अब कब रिलीज़ कर रहे हैं, कब रिलीज़ कर रहे हैं. फिर वीडियो बना एंड वी वर लाइक चलो अब दुनिया को दिखा देते हैं, ये मैसेज स्प्रेड कर देते हैं कि हम सब लड़कियां और लड़के भी कल्ले कल्ले खुश रह सकते हैं यार. जैसे ये गाना जो आया है वैलेंटाइन डे पे आया है और सभी लोग नॉर्मली वैलेंटाइन्स अपने वैलेंटाइन के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और आपने एक खास मैसेज दिया है कि आप अकेले भी ये दिन मना सकते हैं. एब्सोल्युटली, क्योंकि एक प्रेशर होता है वैलेंटाइन डे से जुड़ा होता है कि कोई ना कोई तो किसके साथ सेलिब्रेट करने वाला दिन होता है ये. पर आई थिंक उससे बड़ी बात यह है कि हम खुद के साथ पहले खुश रहना सीखें, कि हम जब अकेले समय खुद के साथ बिता सकते हैं और खुश रह सकते हैं तब जाकर किसी और के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है. एंड इसके पीछे बहुत खास मैसेज है जो आपने अपने गाने के थ्रू दिया है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपका था, आपके जो टीम वर्कर हैं उनका था, किसका था ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट वैसे जब हम एक गाना बनाते हैं, यहाँ से जब बात शुरू हुई थी तब मुझे लगा था कि इस टॉपिक पर एक गाना बनना चाहिए, बिकॉज हम सब कोई कोई लोग एक ही रिलेशनशिप में रहते हैं पूरे उनके पूरे लाइफ में, पर मैं कई सारे रिलेशनशिप्स में रही हूँ और इन रिलेशनशिप्स के बीच में जब मैं सिंगल रही हूँ तब मुझे लगा है कि यार ये सबसे ज़्यादा हैप्पी, ये अच्छा लग रहा है मुझे. मतलब मुझे एक्चुअली हैप्पी अभी लग रहा है जब मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और उसके ऊपर गाना बनाना मुझे बहुत बहुत पहले से मुझे चाहिए था कि ऐसा गाना फीमेल एक्सप्रेशन से लिखा जाए. एक्चुअली जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं उसके बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपका गाना मेरे ख्याल से उन लोगों को हेल्प करेगा जो इन सब चीज़ों. शालमली, आप इस गाने में बहुत हॉट लगी हैं, बहुत खूबसूरत लगी हैं, तो आपने इसके लिए कोई तैयारी की? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे सारे फिटनेस वीडियोज होते हैं, तो एनी फिटनेस प्लान आपने फॉलो किया हो? वैसे फिटनेस के पीछे मैं पागल हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लाइव जब मैं परफॉर्म करती हूँ तब मैं डांस भी करती हूँ अपने शोज में, और उसके लिए बहुत स्टैमिना की ज़रूरत होती है, और उसके लिए फिटनेस ऑलरेडी मेरे एक प्लान में था ही. पर जब ये वीडियो शूट करने की बारी आई तब मुझे और भी उसे पागल होना पड़ा उसके पीछे, क्योंकि मुझे पता था कि इस गाने के लिए मुझे कोरियोग्राफी करनी है, उस कोरियोग्राफी में मुझे हॉट दिखना है, कपड़े भी बड़े हॉट पहनने हैं, तो आई हैड टू लुक गुड. तो उसकी वजह से स्वप्निल हजारे और यतीश तिवारी मेरे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने मुझे पूरे शेप में लाने की कोशिश की है इस वीडियो के लिए. आपकी क्या तैयारी रही, मतलब एक्स्ट्रा क्या तैयारी की आपने इस वीडियो के लिए? इस वीडियो की ट्रेनिंग के पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंस बहुत भागा करती थी क्योंकि मैं हाफ मैराथन के लिए ट्रेनिंग ले रही थी. पर मेरे ट्रेनर्स ने मुझे कहा कि अब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, हम बॉडी वेट ट्रेनिंग करके टोन करना, बॉडी टोन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. तो फ्रॉम किकबॉक्सिंग टू TRX ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, बहुत सारी फंक्शनल क्रॉसफिट, ये सारे चीज़ें हम कभी कभी जिम में जाकर, कभी कभी घर पे ही विद इक्विपमेंट, आउटडोर भी. मेरे घर के नीचे एक पार्क है जहाँ पे सारे बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, तो ओपन एयर में भी एक्सरसाइज करना बहुत एक अलग फीलिंग होता है ओपन एयर एक्सरसाइज करना, तो वो भी हम कर रहे थे. राइट, वाओ. जैसे आपका ये गाना है इसके लिरिक्स बहुत शानदार हैं अगर आप पढ़ें उनको जी. तो इसमें आपने कोई इनपुट दिया था म्यूजिक में या फिर किसी और चीज़ में? आपको ये गाना सुनने के बाद जब आपने पढ़े होंगे लिरिक्स और आपने जब खुद गाया उसके बाद आपका क्या पहला फर्स्ट क्या था आपका? जब ये गाना लिखा जा रहा था वो एक ही रूम में सब कुछ हो रहा था, जैसे अकुल जो कंपोजर प्रोड्यूसर हैं वो जैसे ही धुन बना रहे थे और मैं मेरे थॉट्स बोल रही थी कि ये वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो मेलोडी जिन्होंने गाना लिरिक्स लिखे हैं वो बहुत क्विकली उसे लिरिक्स के इसमें अकॉर्डिंगली धुन पे बिठाकर लिरिक्स दे रहे थे, मतलब ऑन द फ्लाई सब कुछ हो रहा था. और उन्हें पता था कि लाइव मेरे साथ चार लड़कियां हैं जो गाती हैं और डांस करती हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने कहा अगर आप कहेंगे मुझे इश्क मोहब्बत तो वो सारी लड़कियां कह सकती हैं ना चाहिए,
फिर मैं कहूंगी झूठे मूठे वादे, वो कहेंगी ना चाहिए तेरी परमिशन, ना चाहिए नो 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 नो. तो ये थोड़ा सा लाइव हम इसे कैसे पेश करेंगे ये जहन में रखकर ये गाना कंपोज किया गया. अच्छा, इस गाने के डांस जो स्टेप है वो काफी कमाल है, काफी न्यू है. yes. और बॉस्को ने इसको कोरियोग्राफ किया है, सीजर ने. हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से कोरियोग्राफी में कोई और ऐड होना चाहिए था या कुछ और? मतलब वो काफी कमाल है अकॉर्डिंग टू मी और आपके जितने भी व्यूवर्स रहे हैं. इनफैक्ट मेरे लिए जब मैंने पहली बार फोन पे कोरियोग्राफी मैंने देखी कि ये मुझे सीखना है, तो मैंने कहा अरे बाप रे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है. पर मैं बहुत खुश भी हुई. जब मुझे लगता है कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है ना और चैलेंजिंग है right. तो वो मुझे बहुत एक्साइट कर देती है. तो मैंने एक तो मेरे लेबल को बिग बैंग म्यूजिक को बोला थैंक यू, क्योंकि आपने सही right. सही मुझे समझा है कि मुझे अगर डांस वीडियो बनाना है तो मुझसे ऐसे कुछ करवाओ जो मुझे पहले आए ही नहीं राइट right. और उसके लिए मेहनत करनी पड़े. सीजर सर की ये कोरियोग्राफी बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए सीखने, पर स्नेहा सिंह जिन्होंने मुझे सिखाई कोरियोग्राफी right. उन्होंने इतने पेशेंटली अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर करके 3 दिन में मैंने कोरियोग्राफी सीखी. सिर्फ थ्री डेज ऑफ लाइक 6 आवर्स ऑफ रिहर्सल, और फिर खुद मैंने 4 दिन वो रिहर्स की बिफोर परफॉर्मिंग इट. अच्छा, जैसे हम आपके गाने सुनते हैं, शालमली किसके गाने सुनती हैं, उनके प्लेलिस्ट में कौन है, कौन गाने हैं, कौन से सिंगर्स हैं? मेरे प्लेलिस्ट में बहुत अलग अलग वर्ल्ड म्यूजिक सुनती हूँ मैं. तो प्रीतम दा के गाने बहुत सारे हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जैसे कि कलंक टाइटल ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, मेहरमा मुझे बहुत पसंद है जो अभी लव आजकल 2 से का गाना, दिल्ली 6 के गाने बहुत पसंद है यार रहमान सर के, अमित त्रिवेदी का देवड़ी एल्बम एक्सट्रीमली फेवरेट एल्बम है, बियॉन्से के गाने बहुत सुनती हूँ, रियाना के गाने बहुत सुन, आरियाना ग्रांडे के गाने बहुत सुनती हूँ, ड्रेक, ये सारे आर्टिस्ट के गाने मुझे बहुत पसंद हैं. और वो सभी आर्टिस्ट से मैं कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस हुई हूँ. राइट, जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स के लिए गाने गाए हैं, एक्ट्रेस के लिए, अभी आपका कोई ड्रीम है कोई नया एक्टर जिसके लिए आप गाना चाहते हैं? मुझे एक्चुअली ऐसे कभी नहीं लगा कि किसी एक्टर के लिए मैं गाऊँ. राइट, मुझे सिर्फ अच्छे गाने गाने हैं, और क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करने भी जब जाती हूँ तभी बहुत कम बार मैंने पूछा है ये कौन से फिल्म का गाना है या कौन एक्टर्स हैं इस फिल्म में, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा गाना मेरा जॉब है, वो किसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे 2019 में आपने जून के लिए गाने कंपोज किए थे, तो नहीं गाने मैं जून अभी रिलीज नहीं हुई है, वो होने वाली है और उसके लिए मैं कंपोज कर रही हूँ गाने. अच्छा, आप उसके अगर इसके लिए आगे आपका कोई प्रोजेक्ट हो जिसके लिए आप कंपोज करना चाहें अब जून के अलावा? डेफिनेटली, मुझे इनफैक्ट सॉन्ग राइटिंग बहुत पसंद है और वो चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल कि निखिल महाजन जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पहली मुझे दी है कि मैं कंपोज़र बनकर इस फिल्म से जुड़ी हुई हूँ, एंड उसका पहला गाना मैं अभी लिख रही हूँ. इनफैक्ट जैसे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी गाने रिलीज़ हुए हैं, जैसे आपने बताया लव आजकल 2 का, तो ऐसा कोई गाना जिसको आप चाहती थी कि आप गाएं या फिर आपको मिल जाता तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गाती? ये भी कभी फीलिंग मुझे नहीं. कभी नहीं आई है कि शायद मैं, काश मैं ये गाना गाती या शायद मैं गाना और अच्छा गाती, नेवर हैड दैट फीलिंग. और ये फीलिंग ज़रूर होती है कि ये गाना बहुत सुंदर है, मुझे भी गाना है, आज पियानो पर बैठकर मैं ये गाना एक बार गा लूं. ऐसे कई गाने हैं और उनमें से मोस्टली देयर ऑल प्रीतम दास सॉन्ग्स, फिर ले आया दिल, सावली सी रात जो मैंने एक कवर किया भी है उसका, फिर हवाएं, सारे प्रीतम दा के गाने हैं. आई एम अ बिग प्रीतम दा लवर. अच्छी चीज़ ये है कि आपने उनके साथ काम भी किया है. हाँ, एंड मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, वीडियो सॉन्ग्स आ रहे हैं, अक्षय कुमार, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर जो हैं वो वीडियो सॉन्ग्स में नजर आ रहे हैं, तो आपका ऐसा कोई ड्रीम है कि आप अब इस एक्टर के साथ अगर किसी वीडियो में आती हैं तो वो ये एक्टर होना चाहिए? अगेन नो, मेरे कौन से भी ड्रीम्स किसी एक्टर को लेकर नहीं है. आई एम एक्चुअली, मैं, मेरे जो सारे ख्वाब हैं वो सारे म्यूजिशंस को लेकर हैं. इस म्यूजिशन से के साथ काम करना है या इस म्यूजिशन के साथ कोलैबोरेट करना है. अच्छा, किसी सिंगर को चाहें आप? सिड श्रीराम. ओके, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सिड श्रीराम की, और उसे वो पता है क्योंकि मैं उससे बोलती रहती हूँ, मेरा दोस्त है. पर उसके साथ मुझे काम करने का मौका जब मिलेगा मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगी. अच्छा, जैसे आपने रीजनल फिल्म में काम किया, मराठी फिल्म में, ईस्ट इंडियन फिल्म, हाँ, तो आप किसी और प्रोजेक्ट में आना चाहेंगी?
मेरे लिए चैलेंजिंग फिल्म रोल, अगर की फिल्म रोल की बात करें तो चैलेंजिंग अगर रोल हो जिसमें मैं शालमली बनकर नहीं आऊँ, ओके, यानी मुझे मेरी कास्टिंग उसके लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा सूट करता है, ये लड़की ऐसी है ही, तो उसको उठाकर शालमली बनाकर फिल्म में ले लो, तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं है. अगर मुझे कुछ चैलेंजिंग करने मिला जिस रोल के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ा एक महीने के लिए और कुछ नहीं करना है सिर्फ यही करना है, तो फिर जाकर आई थिंक मुझे वो रोल करने के लिए मज़ा आएगा. अच्छा शालमली, आपको अपना गाया हुआ कौन सा गाना बहुत पसंद है जो आप हमारे लिए गाने वाली हैं? मुझे मेरा प्रीवियस सिंगल रुका रुका बहुत, मतलब अभी लेटेस्ट माय फेवरेट जो मैंने गाया हुआ है, जो मुझे ही सुनकर लगता है यार अच्छा हुआ है ये गाना, वो है रुका रुका. तो आप गाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए और अपने फैंस के लिए? तेरे मेरे बीच में ये दर्द क्या है, तेरा मेरा तो जहाँ कोई दूसरा है, यहाँ सब रुका रुका है, तुझे मांगती खुदा से मेरा सब रुका रुका है, मुझे थाम ले जरा. वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग गाया आपने. अच्छा शालमली, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? आप किसी बॉलीवुड फिल्म में गा रही हैं? बॉलीवुड फिल्मों में गाना हमारे लिए एक बहुत अनसर्टन चीज़ होती है क्योंकि कभी गाना रिलीज़ होगा, वो हमारी आवाज़ में रिलीज़ होगा या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं. तो पता नहीं कब अगला गाना आएगा, वो कब आएगा, किसके साथ, कौन सी फिल्म में आएगा, आई डोंट नो. बट एक चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ वो है मेरा इंडिपेंडेंट करियर, जिस गाने के लिए हम आज बात करने आए हैं, कल्ले कल्ले. इसके पहले जो मैंने अभी गाना गाया रुका रुका, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे मेरे अगले गाने के साथ जो है प्लान. अच्छा, और वो गाना कुछ ही महीनों में रिलीज होगा. अच्छा, इस ये भी गाना किसी मैसेज के साथ होगा, जैसे ये ब्रेकअप से उभरने वाला तरीका बताया आपने कल्ले कल्ले से, और वो गाना किस मैसेज से आपको क्या लगता है अगर हम अब सिंगल हैं तो आगे इस कहानी में क्या होना चाहिए? आई थिंक इसके आगे की आप कैसे अपना करियर बनाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं. क्या बात है, तो आप बड़ा एग्जाम्पल है. सो थैंक यू सो मच शालमली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट आपके गाने के लिए. और हम विश करते हैं कि आपके जितने भी गाने हो इसी तरीके के मैसेज से भरे हों. थैंक यू सो मच. थैंक यू.